सिंगरौली में पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी के तहत तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस 5 शातिर बदमाशों को डकैती की योजना बनाते गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक बीरेन्द्र सिंह द्वारा अपराधियों के खिलाफ दिए गए निर्देश पर कोतवाली प्रभारी अरुण पांडे ने 5 शातिर अपराधियों को डकैती की योजना बनाते गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को बदमाशों के पास से तलाशी के दौरान हथियार बरामद हुआ है। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा बताया गया कि वे छत्तीसगढ़ की ओर से आने वाले ट्रक ट्रेलर एवं वाहनों को लूटने की योजना बना रहे थे। बताया जा रहा है कि ये बदमाश आदतन अपराधी हैं और कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इनके विरुद्ध कई थानों में अपराध पंजीबद्ध है। दिनांक 6-7 की दरमियानी रात कोतवाली पुलिस को इस हादसे की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति बरतघटा में एकांत सुनसान स्थान में इकट्ठे होकर के और किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने की तैयारी में डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा 3 टीमें गठित की गई और मौके पर रेड कार्यवाही की गई और रेड कार्यवाही पर 5 बदमाश जिसमें से मोनूपुरी, धीरेन्द्र साह, विनोद नामदेव, सूरज और श्याम बाबू बैस, इन 5 बदमाशों को पकड़ा गया। सभी बदमाश हथियारबंद स्थिति में मिले और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर यह पाया गया कि ये बदमाश डकैती जानने के प्रयोजन से इकट्ठे हुए थे। सभी को एक को तत्काल मौके पर गिरफ्तार किया गया। उनके मौके से उनके पजेशन में जो हथियार थे उनको जब्त किया गया और आरोपियों के विरुद्ध थाना बैठा में धारा 399, 402 भारतीय दंड विधान 25(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।